आखिर वही हुआ जिसका सबको डर था। अंबानी पहले यूजर्स को फ्री का लालच देते हैं और फिर पैसे वसूलते हैं। अब आईपीएल 2023 से पहले जियो ने अपने यूजर्स को गिफ्ट दिया था और जियो सिनेमा पर आईपीएल 16 को फ्री स्ट्रीम कराने का अनाउंस किया था। क्रिकेट लवर्स ने भी जमकर फ्री सर्विस का लुत्फ उठाया। इस साल लोगों ने जियो सिनेमा पर व्यूअरशिप के कई रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए, लेकिन अब मुकेश अंबानी जल्द ही ये फ्री सर्विस बंद करने वाले हैं। बाकी ओटीटी ऐप की तरह जियो भी अपने यूजर से चार्ज वसूलेगा। जियो बाकी ओटीटी ऐप के साथ मुकाबले के लिए ऐसा कर सकता है, तो क्या आईपीएल भी फ्री में नहीं देख पाएंगे? आईपीएल 16 का फाइनल मैच 28 मई को खेला जाएगा। ऐसे में कंपनी ने ये तो कंफर्म किया है कि जियो सिनेमा रिचार्ज को इस साल आईपीएल सीजन से पहले ही रोल आउट कर दिया जाएगा, लेकिन रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि जियो आईपीएल के फाइनल के बाद ही अपने यूजर से पैसे चार्ज करना शुरू करेगा। कंपनी के मीडिया और कंटेंट बिजनेस की प्रेसिडेंट ज्योति देशपांडे ने ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में ये बताया कि जियो सिनेमा अपने प्लेटफॉर्म पर 100 से ज्यादा फिल्मों और वेब सीरीज को जोड़ने का प्लान बना रहा है। अब देखना होगा कि जियो किस प्लान के साथ आता है। वहीं बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म को देखते हुए जियो किस प्राइस लिस्ट के साथ आएगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। जियो सिनेमा अपने यूजर से कितना पैसा चार्ज करेगा, ऐप की प्राइस लिस्ट क्या होगी, अभी ये तय नहीं हुआ है। ज्योति देशपांडे ने अपने इंटरव्यू में बताया कि क्यों जियो की ओर से ऐसा किया जाने की योजना बनाई जा रही है। तो ऐसा कंपनी के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए और इंडियन मार्केट में मौजूद प्लेटफॉर्म्स के साथ कंपटीशन के लिए किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म पर नया कंटेंट 28 मई से पहले ही अवेलेबल करा दिया जाएगा, यानी क्लियर है कि अभी आप फ्री मैच एंजॉय कर सकते हैं। जो नहीं जानते कि जियो सिनेमा क्या है, उन्हें बता दें कि जियो सिनेमा एक ऐप बेस्ड डिजिटल कंटेंट प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है। अभी तक इस ऐप पर फ्री में यूजर्स टीवी चैनल्स का लुत्फ उठाते थे। इसके लिए मोबाइल में जियो रिचार्ज होना जरूरी था। इसके बाद यूजर्स ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फ्री में मूवी, शोज, न्यूज, म्यूजिक और क्रिकेट देख सकते थे। वहीं इस बार जियो सिनेमा पर फ्री में आईपीएल को भी स्ट्रीम किया जा रहा है। इससे जियो के ग्राहकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा था, क्योंकि जियो सिनेमा ऐप का लुत्फ जियो यूजर्स ही उठा सकते थे और ऐसे में एयरटेल को नुकसान हो रहा था। इसीलिए इससे जियो की कॉम्पिटिटर कंपनी एयरटेल ने नियमों का वायोलेशन माना और जियो के खिलाफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई में शिकायत दर्ज कर दी। इसमें ब्रॉडबैंड और डिजिटल ऐप के लिए कानून बनाने की मांग की गई। एयरटेल का कहना है कि जियो डीटीएच को खत्म करना चाहती है। जहां डीटीएच पर मैच देखने के लिए ₹19 चार्ज किए जा रहे हैं, वहीं जियो सिनेमा पर क्रिकेट मैच को फ्री में देखा जा सकता है। खैर, जियो यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि अभी आप फ्री में मैच को एंजॉय कर सकते हैं। वेल, अंबानी की स्ट्रेटेजी पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।